हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान और आई एस पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स ये हमारा वन वर्ड सबसे का पार्ट फोर है इससे पहले जिसने पार्ट तीन नहीं देखे हैं वो हमारे प्ले में जाकर देख सकता है वो अपडेट है इस इंग्लिश बाई इमरान सर ऐसे करके लिखा होगा उसमें हमारे प्ले लिस्ट है वो जाकर देख लीजिए उसमें वोकैब भी है ई डी भी है और वन वर्ड्स भी है पहले है दूसरे तीसरे, तीसरे पार्ट ठीक है और आपका रिस्पॉस बहुत अच्छा रहा है मेरे तीसरे पार्ट में इसलिए मैं फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ उसमें काफ़ी व्यूज़ भी हैं और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि और लाइए तो मैं लेकर आया हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है, है तो पहला हमारा क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ मतलब जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है ठीक है तो पहला ऑप्शन हमारा ईगोइस्ट सेकेंड ऑप्शन हमारा ईगोटिस्ट थर्ड हमारा एग्नोस्टिक और फोर्थ है एथीस्ट तो क्या हो जाएगा इसका ईगोइस्ट मतलब कहता तो है ईगोइस्ट मन होता है जैसे कि अहंकार का पुतला एक तरह से ठीक है और एथीस्ट मन होता है जो ईश्वर को ना मानता हो और एग्नोस्टिक मतलब होता है जैसे कि नास्तिकवादी ये भी मतलब ईश्वर को नहीं मानता एक तरह से ये बोल सकते हैं और ईगोटिस्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा ईगोटिस्ट इसका मतलब होता है अहमवादी जो सिर्फ अपने बारे में बोलता रहता हो ये दोनों बहुत क्लोज हैं अब कुछ लोगों ने सर ये होगा नहीं ये नहीं होगा एस ने यही माना है और यही होगा भी ईगोटिस्ट ठीक है और पिछले हमारा जो थर्ड पार्ट था उसमें दो क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल है जैसे कि एक का आंसर था हिस्ट्री जैसे लोग कह रहे हैं आर्क्योलॉजी होगा और एक आंसर है एडहॉक जिसका लोग कह रहे हैं कि एक्सटेम्पर होगा ऐसा नहीं है देखिए मैं जो भी करा रहा हूँ ना वो वो एस के प्रीवियस ईयर में जो एस ने आंसर माने मैं वो करा रहा हूँ और वो हो कुछ भी रहे मतलब एक आध आंसर ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये होगा लेकिन एसएससी कुछ और मानता है तो हम वही कराते हैं ठीक है अगर आपको जो लग रहा है आप देख सकते हैं आपके लिए जो सही वही करिए मैं तो एसएससी के जो करवा रहा हूँ मैं वही करवा रहा हूँ जो एसएससी आंसर मानता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक मतलब जो किताबों को पसंद करता है कलेक्ट करना पसंद करता है खूब देखता है किताबें पढ़ता है ठीक है तो कौन होता है वो क्या वो बिबलीओ फाइल होता है या फिर बेनिफिशियरी होता है या फिर फिलट फ़िला टेलिस्ट होता है या फिर रेसिपियंट होता है तो क्या होता है देखो जो बेनिफिशियरी तो मतलब वो हमारे फ़ायदेमंद है तो कोई चीज़ ही नहीं अब फिलैट और रेसिपीट रेसिपी मतलब होता है जैसे कि एक तरह से ग्रहण करने वाला कोई चीज़ रेसिपी रेसिट लेने वाला बिबलीओ फाइल ये हमारा आंसर होगा बिबली फाइल मतलब जो किताबों को इकट्ठा करता है प्यार करता है ठीक है लेकिन और ये बहुत अच्छा आंसर है, है एक ऑप्शन है फिलट फिला टेलिस्ट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है नहीं स्टाम्प स्टाम को जो कलेक्ट करता है नहीं जो से करता है टिकट को कलेक्ट करता है तो ये भी पूछ सकते है, terms, तो कौन हो है? देखते हैं debt, debt, जो अपना डेप्ट भी ना पे कर पाए इस हालत इस कंडीशन में आ गया है उसके बारे में बात हो रही है तो क्या वो इंसॉल्वेंट होगा या फिर पुअर होगा फिर डेस्टिट्यूट होगा या फिर पॉपर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंसॉलमेंट मतलब जो बैंक का डेब्ट भी नहीं पे कर पा रहा है यानी कि तरह से ऋण भी नहीं चुका पा रहा है ये बात कर रहा है ऋण अपना कर्जा में नहीं चुका पा रहा इंसॉलमेंट होता है अब जैसे कि पूरा मतलब गरीबी होता है आप जानते हैं ठीक है और मतलब निराश्रित मतलब जो किसी पर आश्रित ना हो निरा श्रित ठीक है ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है ठीक है और पॉपर पॉपर मतलब क्या होता है पॉपर मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं कंगाल टाइप का कंगाल आप कहेंगे सर कंगाल नहीं? क्यों नहीं क्योंकि ये रण की बात करें जो रण भी नहीं चुका पा रहा ना कि ये कि उसके पास कुछ है नहीं ये नहीं पूछ रहा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स मतलब जो ऐसा बंदा जो दूसरों के लिए ही काम करता दूसरों की तरक्की के लिए दूसरों की मतलब वेलफेयर के लिए काम करता है कौन होता है वो अल्ट्रिस्ट होता है या फिर सेंट होता है रेक्लिवस होता है फिर अनर, होता है एनआर्चिस्ट कौन होता है एनआर्चिस्ट मतलब तो अराचकतावादी ठीक है अराजकतावादी ये तो नहीं होगा अरा जगता ठीक है जगता ये तो नहीं होगा और संत मतलब होता है संत सेंड मतलब संत होता है रेक्ल्यूज रेक्ल्यूज एक अच्छा वर्ड है रेक्ल्यूज मतलब तरह से वैरागी सन्यासी टाइप का नहीं सन्यासी या फिर वैरागी या आप नोट कर लीजिए जो आप ना आता हूँ ठीक है और इसका क्या होता है समझ मतलब परोपकारी जो सबको पर कार करता है यानी कि सबके बारे में सोचता है ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं सकते वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस मतलब जो स्पेस में ट्रेवल करता है तो ये तो आप जानते ही हो गए क्या द एस्ट्रोनॉट और तो कुछ बताने लायक है ही नहीं पैटर्न मतलब देश देशभक्त रेसिपियन मतलब आपको बताया मिस्टिक ये एक अच्छा बर्ड है मिस्टीक के बारे में मतलब एक तरह से बोलते हैं रहस्यवादी या है, फिर आध्यात्मिक 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 नेक्स्ट नेक्स्ट है वन वो लिव्स अलोन एंड अवॉइड सदर मतलब जो अकेला रहना चाहता है और दूसरों को अवॉइड करता है कौन तुम्हारा ऑप्शन है इसके संत दूसरा एलियन ठीक है आप जो देखिए रेक्ल्यूज और हर्मिट इनमें आप कन्फ्यूज़ रेक्ल्यूज का मतलब हमने बताया आपको सन्यासी ठीक है और हर्मिट हर्मिट मतलब भी एक तरह से बोल सकते हैं कि मुनी टाइप का नहीं मुनी ऋषि मुनी मुनी टाइप का ये भी एक तरह से अकेले रहते हैं लेकिन इसका मेन आंसर हो जाएगा रेक्ल्यूज क्या हो जाएगा जो अकेले रहना पसंद करता है कौन होता है रेक्ल्यूज ठीक है चलिए नहीं सकते हैं वन वन हु डाउट्स द साउंडनेस ऑफ इनफेर इन इनफ्रेंसिस मतलब क्या उसका मतलब जो डाउट करता है साउंडनेस को जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे कि स्केप्टिक होता है हारमेट होता है हारमेट तो आप बता चुके हैं आपको मुनी टाइप का ठीक है एस्केटिक एस्केटिक मतलब जानते हैं क्या होता है आपने लगा होगा लोग अपने नाम कहकर लगा लेते हैं एस्केटिक ये एस्केटिक वो तो एस्केटिक मतलब होता है एक तरह से तपस्वी टाइप का क्या तपस्पी ठीक है ये वाला तपस्वी ठीक है और एस्थेटिक मतलब जानते हैं एस्थेटिक मतलब होता है आपको जैसे नहीं सौंदर्य सिद्धांत सौंदर्य के बारे में कुछ नहीं सुंदर सौंदर्य तो मैं लिखवा रहा हूं आप देख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए सौंदर्य सिद्धांत ये तो नहीं है क्या होगा इसका इसका होगा स्केप्टिक स्केप्टिक मतलब जानते हैं स्केप्टिक मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं अंधविश्वासी टाइप का ठीक है तो यही हो जाएगा मतलब जो डाउट करता रहता है हर चीज में ठीक है देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा फ्लियम स्पीकर ऑफ मनी लैंग्वेज मतलब जो बहुत तरह की लैंग्वेज बोल लेता हो तो एमेजरी 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 मतलब होता है एक तरह से दूत ठीक है ये तो नहीं होगा क्यूरेटर तो आप जानते ही जो मतलब जैसे कि लाइब्रेरी का क्यूरेटर होता है म्यूजियम क्यूरेटर होता है जो देखभाल करता है उसकी कैनिबल कैनिबल मतलब नरभक्षी ये तो कोई बात ही नहीं तो क्योंकि पॉलीगर्ड जो बहुत अरे लैंग्वेज बोल लेता था ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बींग वेड एंड डैमेज और डैमेज मतलब जिसे नुकसान पहुंचाना एक तरह से मुश्किल ही है नामुमकिन है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो कौन होगा ऑप्शन हमारा इनवलरेबल या फिर इनविजिबल इनविजिबल या फिर indefatigable defa, in या फिर इनसॉलेबल इंसॉलेबल मतलब जो घुले ना इनविजिबल होना चाहिए ना invulnerable क्या होता है इनवोलनेबल इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि जो कभी किसी से खंडित ना हो एक तरह से बोल सकते हैं अभेद्य जो अभेद्य अखंडित है ठीक है जिससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता नेक्स्ट इसका दैट कैन नॉट बी टचड और फेल्ट मतलब जिसे टच नहीं किया जा सकता या फील नहीं किया जा सकता एक तरह से अस्पर्श ठीक है तो क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा पहले देखते हैं इसका मतलब होता है इम प्रैक्टिकेबल इन इम मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं अव्यवहारिक क्या अव्यवहारिक जिस अव्यवहारिक ठीक है ये तो होगा नहीं ठीक ये तो होगा नहीं नेक्स्ट हमारा क्या है इम्पेलपेबल इम्पेलपेबल ही मतलब होता है इसका इम्पेलपेबल मतलब ही यही होता है इस से आस्पर्श ठीक यही आंसर है हमारा इसका और ये आप इसका आंसर जाना तो करें इम टेबल मतलब होता है इसका मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं ना जानने योग्य जो ऐसी चीज़ है जो कोई आप ना ही जानो बेहतर है ना जानने योग्य ठीक है? इसका, मतलब है इसका ये मतलब है इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको बता नहीं रहा इसका ये मतलब ये ना जानने योग्य इसका ये मतलब है ठीक है योग्य रह सकते नेक्स्ट है आपका किलिंग ऑफ ए किंग किलिंग ऑफ ए किंग यानी कि राजा को मारना क्या कहते हैं जिनोसाइड जिनोसाइड तो नरसंहार होता है पैट्रीसाइड इसका मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला पित हंता पिथ पिता की हत्या करता है ठीक है तो ये तो नहीं होगा रेजिसाइड साइड हाँ यही होता है राजा मानने वाला और होमिसाइड मतलब क्या होता है जो किसी भी होमी मतलब होता है होम वाला मानव तो मानव किसी मानव की हत्या करता है होमिसाइड होता है तो इसका कांसान हो जाएगा रेजिसाइड ठीक है नेक्स्ट लवर ऑफ वुमेन मतलब जो वुमन को पसंद करता है प्यार करता है तो क्या होगा फिलोगेमिस्ट हो जाएगा या फिर फिलो गाइनिस्ट हो जाएगा फिलो फिलोम्यूज हो जाएगा फिर मीजोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका इसका जाएगा फिलोगा मतलब जो फीमेल को पसंद करता है प्यार करता है ठीक है और ये जस्ट इसका अपोजिट है इस ये नफरत करता है म्यूजोगाइनिस्ट मतलब वन हु हेट्स वुमेन ये भी आ सकता है ये नफरत करता है ठीक है तो ये नफरत करता है और ये जो इसका आंसर इसका आंसर ये है ठीक है नेक्स्ट वन हु टोटली ऑबस्टेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब जो हमेशा पिए रहते मतलब एक तरह से नशा किए हुए है एल्कोहल लिए हुए तो क्या होगा इंटरलोक्यूटर इंटरलोक्यूटर मतलब जानते हैं इंटरलोक्यूटर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मतलब वार्तालापी जो बातें करता हूँ वार्तालापी ठीक है वार्तालापी ये तो होगा नहीं ठीक है और नेक्स्ट हमारा क्या है एनोलॉगी ये तो समरूपता आपता है जैसे नहीं आपने रीजनिंग होगा रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने एनोलॉगी एनोलॉगी लगाई यानी कि समानता की तरह से फॉजिल तो आप जानते ही हैं जी वास्ट में क्या होता है टी टोटल मतलब दारूगा एक तरह से नशा पड़ किया गया टी टोटल ये इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉज ट्रूप्स ई टी सी टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल मतलब जैसे कि मान लो एक तरह से कहीं वॉर हो गया तो हम अपने ट्रूप्स को नहीं लगा देते हैं वहां पर तो इसका वो उसे क्या बोलेंगे जहां पे हम लोग ट्रूप्स को स्प्रेड कर देने फैला दिया उसे क्या बोलेंगे कोलोकेट कोलोकेट मतलब क्या होता है एक तरह से लगाना ये तो नहीं होगा लोकेशन करना डिस्पर्स मतलब होता है फैलना डिस्पर्स नहीं होता डिस्पर्स मिलता मतलब तो फैलना एक तरह से यह चीज नहीं हुई अलाइन अलाइन मतलब होता है सीधी रेखा में खड़े होना ना ये भी नहीं तो क्या होता है डिप्लॉय करते हैं हम लोग कहीं भी कुछ होता है हम लोग आर्मी को डिप्लॉय कर देते हैं यानी कि क्या करते हैं हम लोग तैनात करते हैं डिप्लॉय मतलब क्या होता है तैनात कहीं वारन लोग आर्मी भेज देते हैं या फिर पुलिस कुछ भी तो तैनात ठीक है यही हो इसका आंसर नेक्स्ट एनी थिंग रिटन रिटिन इन ए लेटर आफ्टर इट इज़ साइन मतलब साइन होने के बाद लास्ट में कुछ लिखा जाए लेटर में ठीक तो क्या होगा पोस्टरिटी ठीक है या फिर पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर कोरिगेंडम या कोरिजेंडम या फिर पोस्ट डिक्शन तो क्या हो जाएगा post, मतलब जानते हैं इसका मतलब होता है जैसे वंश वंश ठीक है ये तो नहीं होगा आंसर और कोरिगेंडम को बताया था मतलब जो कुछ गलती हो जाए तो हम उसे लिख के पत्र लिखने में सुधारते हैं जैसे तो कोरिगेंडम कहते हैं ये तो नहीं होगा ये हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट है एक तरह से इसे बोल सकते हैं उपसंहार नहीं लास्ट में जो लिखा जाता है पैरा के बिल्कुल उप संघार ये इसका मतलब हुआ पोस्टर शूट का यही आंसर इसका नेक्स्ट हमारा है टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री मतलब ऐसा पर्सन जिसे पसंद नहीं कर, कर दिये, दिये से बाहर भेज दिए भगा दिया जैसे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा पहला एक्स दूसराट ठीक है और एक और आंसर है इसका एक और ऑप्शन है इसका डिपोर्ट या फिर क्या हो जाएगा इसका या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेसाइज ऑस्ट्रेसाइज तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो ये एक्स एक्स यहट मतलब होता है इसका मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं प्रवासी टाइप हो क्या प्रवासी ठीक है ये तो नहीं होगा इसका आंसर और एक्सक्लूड मतलब किसी को एक्सक्लूड कर देना और ऑस्ट्रा मतलब क्या होता है इसका मतलब इसमें बहिष्कत कर देना किसी को बहिष्कृत करना आप ये सोचेंगे यही होगा इसका सर नहीं ये नहीं होगा जब हम लोग किसी को भेज देते हैं तो हम लोग कहते हैं डिपोर्ट कर, दे, कर देते हैं डिपोर्ट कर देते हैं जैसे हम लोग कहते हैं विजय माल्या को हमारे डिपोर्ट करिए क्योंकि वो बाहर भागे हुए हैं इस टाइप से नहीं निर्वासित ये जैसे बोल सकते हैं निर्वासित करना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी की बात नहीं सुनता है कौन होता वो डेमोक्रेट नहीं डेमोक्रेट में तो जनता का शासन है ये तो सबकी सुनते हैं ब्यूरोक्रेट नहीं अफसर शाही होती फैने टाइम में रहता है टाइप का सन की टाइप का ऑटोक्रेट मतलब शासन निरंकुश शासन टाइप में मतलब जो किसी सुनता ही नहीं है खुद ही चलाता है स्वशासन ठीक है नेक्स्ट टू स्लै विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट मतलब किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से मारना क्या होता, होता है या फिर स्वेट होता है फिर चॉप होता है फिर जिना होता है तो चौप होता है छाटना ये तो नहीं होगा और ह्यू मतलब कहता है ह्यू मतलब होता है एक तरह से चीरना कुल्हाड़ी से चीर देना चीरना फाड़ना ये ह्यू मतलब होता है ठीक है और जिना मतलब कहता है जिना इसका मतलब कहता है कुतरना एक तरह से कुतरना दांतों से कुरना सॉरी क्या कहते स्वैट स्वैट होता है स्वेट बनता है प्रहार करना किसी को प्रहार आ, ये तो बताया है तो पूछ पूछना हमारा कि मारना विद स्लीप्लैट और स्लैप कर देना ठीक है प्रहार करना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज एवरी थिंग एंड एवरी थिंग इज गवर्मेंट का करा है वो पर्सन ऐसा पर्सन है जो कर रहा है कि गॉड एवरीथिंग है और एवरीथिंग ही गॉड है मतलब जो गॉड कोई सब कुछ मानते हैं सर्वशक्ति मानी सर्व ब्रह्मवादी एक तरह से बोल सकते हैं तो कौन होगा एग्नोस्टिक होगा या फिर पैनाथीस्ट होगा या फिर थीस्ट होगा या हो फिर इन्हें पैनाटेक्निकल होगा तो कौन होगा यह इसका से बताइए अब देखिए पैनाटेक्निकल मतलब होता है इसका मतलब समझ लीजिए इसका मतलब होता है फ़र्नीचर का सा फर्नीचर का गोदाम फर्नीचर का गोदाम ठीक है ये तो नहीं होगा आप मतलब लिख लीजिए ठीक है और थीस्ट मतलब जानते हैं जो भगवान को मानता है लेकिन यहाँ पर भगवान के मानने वाली बात नहीं हो रही है विश्वास रखने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है कि बहुत सब कुछ ही मतलब गॉड इज ही गॉड ही सब कुछ है इसका ठीक एग्नोस्टिक आपको पहले ऑप्शन में बताया था क्या हो जाएगा पैनाथिस्ट पैनाथिस्ट मतलब जानते क्या ब्रह्मवादी जो सिर्फ भगवान पर ही भरोसा भगवान को सब कुछ मानता है सब कुछ ब्रह्मवादी है ठीक है एक तरह से तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट वन हु कैन नॉट डाई जो कभी मर नहीं सकता ठीक है तो क्या हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा या फिर परपेचुअल हो जाएगा या फिर पैरानील हो जाएगा फिर, फिर इमोटल हो जाएगा क्या हो जाएगा तो देखिए तो पैरानील मतलब होता है सदाबहार ठीक सदाबहार होता है ये तो नहीं होगा सदाबहार जो कभी मरे ना ये इससे उसका कोई मतलब ही नहीं है स्टेबल बनाता जो एक तरह से चीज़ स्टेबल है ये भी नहीं होगा अब परपेचुअल परपेचुअल मतलब क्या होता है परपेचुअल मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि शाश्वत है शाश्वत आप सोचेंगे ये होगा लेकिन जो कभी मरे ना उसे कहते हैं इमोटल अमर शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं है अमर की बात हो रही है जो कभी मर मर नहीं सकता अमर ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेक्शन अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ठीक है और अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो मैं पार्ट फाइव भी लाऊंगा ठीक है और आप हमारे जीएस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ये हम डेली शाम को करवाते हैं मिक्स प्रैक्टिस सेशन जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है थैंक यू फ्रेंड